सो है गाइस, पोकेमोन के एक और न्यू वीडियो में आप सबका स्वागत है। सो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं मिस्टेकन पोकेमोन इवोल्यूशन के बारे में। बड़े दिनों के बाद यार हम इस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं। और दोस्तों, ये जो हमारा पार्ट होने वाला है ना, अभी तक का बेस्ट पार्ट होने वाला है। और इस वीडियो को देखने के बाद आप सभी लोग मुझे बोलोगे कि भाई कल के कल नेक्स्ट पार्ट चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो यार रेड डार्क से कहकर टाइम ट्रैवल करा दूंगा। अरे नहीं यार, फिर से वही घटिया जोक्स यार। सो दोस्तों, अगर आपको पता नहीं है कि इसके अंदर क्या होता है तो मैं आपको बता देता हूँ। इसके अंदर हम यार सेम टू सेम दिखने वाले पोकेमोन के बारे में बात करते हैं। यानी कि अगर हम उन दोनों पोकेमोन को कंपेयर करते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि भाई यार ये तो एक दूसरे के इवोल्यूशन है। कुछ थ्योरी ऐसा बोलती है, कभी भी हमारा दिमाग दिल भी ऐसा बोलता है। सो ये जो वीडियो होने वाली है इसके अंदर हम ऐसे ही कुछ करने वाले हैं। सो गाइज यार, आज की वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी मिस्टेक इन पोकेमोन इवोल्यूशन के बारे में बताऊंगा, ऐसे इवोल्यूशन के बारे में बताऊंगा जो कि गलत है, रॉन्ग है। वैसे मिस्टेक पोकेमोन के बारे में आपको पता होनी ही चाहिए, बिकॉज आप यार रियल पोकेमोन के फैन हो यार, आपको ऐसी छोटी छोटी बातें पता होगी तो यार मुझे अच्छा लगेगा। तो वीडियो शुरू करते हैं, और उससे पहले वीडियो को लाइक कर दो। अरे कर दो लाइक यार, मेरे शक्ल देखो कितनी बोली बाली है। अरे मैं तो भूल ही गया, मैंने फेस ही नहीं किया। तो यार चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी पोकेमोन को इवोल्व करें। सो दोस्तों यार, नंबर 10 पर जो पोकेमोन आता है ना भाई साहब, यार एकदम ओपी पोकेमोन है। तो देखो यार, नंबर 10 पर जो पोकेमोन है वो है डिगर्सबी एंड लुपनी पोकेमोन। दोनों जो पोकेमोन है गाइस यार, बिल्कुल रैबिट टाइप पोकेमोन है। और दोनों पोकेमोन ऐसे लगते हैं कि एक मेल इवोल्यूशन है, एक फीमेल इवोल्यूशन है। जिस प्रकार यार नीडोकिंग और नीडोक्वीन है, उसी प्रकार यार ये दोनों पोकेमोन मुझे देखने से लगते हैं। तो पोकेमोन कंपनी वालों को भी यार इन पोकेमोन को ऐसे कुछ कर देना चाहिए था, बिकॉज यार दोनों जो पोकेमोन है हमारे ऐसे फ्रेंड के पास थे, यानी कि दोनों के पास इसका फर्स्ट फॉर्म था, और ऐसे फ्रेंड कैलमर के पास भी इसका फर्स्ट फॉर्म था। तो यार देखने से ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं यार इन दोनों पोकेमोन के अंदर कुछ गहरा सा कनेक्शन है। तो दया पता लगाओ इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है। तो रोटम जी बताओ क्या है इसका रहस्य। अच्छा मैं बताता हूँ इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है। तो यार मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा यार, पहले मैं खाना खा के आता हूँ फिर बताऊंगा। अरे देखो तो जरा यार, काम बताया नहीं भाग जाता है बहाने बना के। सो यार मैं बता देता हूँ। सो दोस्तों देखो यार, इन दोनों को एक ऐसा इवोल्यूशन होना चाहिए था कि अगर मेल इवोल्यूशन होता तो डिगर्स भी होता, और अगर फीमेल इवोल्यूशन होता तो लुपनी होता, जिसको देखने में मजे आ जाता। बट पोकेमोन कंपनी वालों ने ऐसा किया नहीं, उनको कुछ यार अलग ही ख्याल आया होगा, जो कि अच्छी बात भी है। बट अगर ऐसा होता तो हम फैंस को ज़्यादा खुशी होती। और नंबर 9 पर जो पोकेमोन आने वाला है ना, वो इस वीडियो का वन ऑफ द बेस्ट पार्ट होने वाला है। यस यार, मैं बात कर रहा हूँ लुकारियो एंड जीरा ओरा के बारे में। आप लोग बोलोगे कैसी बातें कर रहा है, कहाँ लुकारियो कहाँ जीरा ओरा। और मैं आपको बताना चाहता हूँ गाइस यार, अगर आप इन दोनों पोकेमोन को एक साथ देखो ना, आप लोग बोलोगे ओ भाई यार क्या बात बता दी यार, मजा आ गया। यानी कि लुकारियो को देखो, जीरोरा को देखो, दोनों पोकेमोन बिल्कुल सेम टू सेम है। दोनों पोकेमोन ह्यूमन टाइप पोकेमोन है, दोनों पोकेमोन दो पैरों पर खड़े होते हैं, दोनों पोकेमोन की डिजाइन जो है लगभग सेम है। यानी कि लुकारियो की डिजाइन अलग टाइप के लिए बनाई गई है, जीरोरा की डिजाइन जो है अलग टाइप के लिए बनाई गई है। जैसे कि डिओक्सी जो पोकेमोन है फॉर्म चेंज करता रहता है, वैसे मुझे लगता है कि यार अगर लुकारियो टाइप चेंज करता होता तो लुकारियो या जीरोरा में ट्रांसफॉर्म हो जाता, और जीरोरा लुकारियो में ट्रांसफॉर्म हो जाता। और दोस्तों इस बात से कोई भी डिसएग्री नहीं कर सकता कि दोनों पोकेमोन बिल्कुल सेम टू सेम लगते हैं। यहाँ तक कि अगर आप यार मेरी आंखों से देखोगे तो मेरे को पता चल जाएगा कि दोनों जो पोकेमोन है बिल्कुल सेम टू सेम है। इन दोनों के ऊपर यार छोटी छोटे ब्लैक जैसे जो डिजाइन है ना, वो काफी बेहतरीन लगते हैं। दोनों पोकेमोन के या डोग पर बेस्ड होंगे, जो कि यार काफी सेंस भी बनाता है कि दोनों पोकेमोन सेम टू सेम क्यों है। तो यार अगर पोकेमोन कंपनी वालों मेरी मानो तो इन दोनों पोकेमोन को यार टाइप चेंज वाले पोकेमोन बना लेना चाहिए था। यानी कि अगर लुकारियो चाहे तो इस टाइप में भी आ सकता है, इस टाइप में भी आ सकता है, जिसको देखकर मजे आ जाता और पोकेमोन फैंस भी काफी ज्यादा खुश हो जाते। बट यार उन्होंने ऐसा भी नहीं किया, हमको नहीं पता यार उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया। बट यार लुकारियो एंड जीरोरा जो पोकेमोन है, एक दूसरे के इवोल्यूशन डेफिनेटली लगते हैं, और ये हमारी वीडियो में नंबर 9 पर आते हैं। और दोस्तों नंबर 8 पे ऐसा पोकेमोन आएगा ना, आप लोग बोलोगे वाह क्या बात है। यानी कि मैं बात कर रहा हूँ कोफिंग एंड ग्राइमर के बारे में। आप लोग बोलोगे हाँ यार सुनने में अच्छा लग रहा है, कुछ कुछ समझ में भी आ रहा है, थोड़ा जल्दी से बताओ। तो देखो यार, दोनों जो पोकेमोन है पॉइजन टाइप के है, दोनों पोकेमोन एक ही एक ग्रुप के पोकेमोन है, और दोनों पोकेमोन काफ़ी कॉमन है गेम्स के अंदर। और दोनों पोकेमोन जो है ना दोस्तों, एक डिफरेंट काइंड ऑफ पोल्यूशन के ऊपर बेस्ड है। यानी कि दोनों पोकेमोन यार रिप्रेजेंट करते हैं पोल्यूशन को, जो कि रियल लाइफ में काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम भी है। और दोस्तों दोनों पोकेमोन के फाइनल फॉर्म को यार अलग अलग
अलग रीजन में अलग अलग फॉर्म मिला हुआ है, यानी गलारियन अलोलन फॉर्म की मैं बात कर रहा हूँ। सो दोस्तों आप लोगों को समझ आई गया होगा कि दोनों पोकेमोन के अंदर कितनी कॉमन बातें हैं, दोनों पोकेमोन को एक दूसरे से इंस्पायर होकर बनाया गया है। और दोस्तों बहुत सारी थ्योरी ऐसा ही बोलते हैं कि अगर कॉफिंग जो है साफ पानी को या गंदा पानी में तब्दील कर लेता है तो उसके अंदर से यार ग्राइमर बाहर आ जाता है। थ्योरी काफी अजीब है बट ये थ्योरी में काफी ज्यादा दम है और या इसी कारण की वजह से ये जो थ्योरी है नंबर 8 बाती है। और दोस्तों नंबर 7 पर जो पोकेमोन आता है ना, आप लोग बोलोगे ओ भाई यार मजे आ गया, यानी कि दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ पिंसिर एंड हेराक्रॉस के बारे में। तो दोस्तों दोनों पोकेमोन के भले डिजाइन सेम ना हो बट यार इनमें इतनी सारी कॉमन बातें हैं ना, आप लोग बोलोगे ओ भाई यार मान गए। यानी कि दोस्तों दोनों जो पोकेमोन है बग टाइप के है, दोनों जो पोकेमोन है उनके बेस्ट स्टेट जो है बिल्कुल सिमिलर है, यानी कि दोनों के बेस्ट स्टेट 500 है। और तीसरी इनमें जो कॉमन बात है वो ये है कि आगे चलकर कैलोस रीजन में इन दोनों पोकेमोन को मेगा एवोल्यूशन मिल जाता है। और अगली जो कॉमन बात इनमें ये है कि होवेन रीजन के अंदर पोकेमोन गेम के अंदर दोनों पोकेमोन सफारी जोन में पाए जाते हैं, वो भी डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में, और आपको यार बाइक लेनी पड़ेगी इसको कैच करने के लिए। और यार दोनों पोकेमोन जो है पोकेमोन एक्स और पोकेमोन वाई में अलग अलग एक्सक्लूसिव पोकेमोन माने जाते हैं। तो भाई साहब यार इतनी सारी कॉमन बातें हैं तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों पोकेमोन एक दूसरे के एवोल्यूशन होने वाले थे, पर पोकेमोन कंपनी वालों को लगा होगा कि इनके डिजाइन जो है वो सेम नहीं है, दोनों पोकेमोन अलग अलग रीजन से बिलोंग करते हैं, इसी कारण की वजह से इन्होंने इस आइडिया को ड्रॉप कर दिया होगा। बट मैं मानता हूँ फैसला सही था, बट दोस्तों अगर इनकी डिजाइन बिल्कुल सेम टू सेम होती और अगर एक दूसरे का एवोल्यूशन हो भी जाते तो हमको इतना फर्क नहीं पड़ता। तो दोस्तों टेंशन मत लो यार, इन दोनों पोकेमोन को मैं एक दूसरे का एवोल्यूशन बना के ही रहूंगा। तो पोकेमोन कंपनी वालों को फोन कर लेता हूँ ना, हेलो पोकेमोन कंपनी वालों यार एक काम करो यार, पिंसिर और हेराक्रॉस को एक दूसरे का एवोल्यूशन बना दो। हेलो हेलो, लगता है फोन ही काट दिया यार, मेरी क्या गलती है, मेरी बात सुन ही नहीं रहे, तो यार मजाक कर रहा हूँ। ओ यार दोस्तों नंबर 6 पर जो पोकेमोन आने वाले हैं ना, आप लोग बोलोगे भाई यार कतई मजा आ गया है, यानी कि वो जो पोकेमोन है वो है स्नोलैक्स एंड स्लेकिंग पोकेमोन। दोनों जो पोकेमोन है काफी ज्यादा खाना खाते हैं, दोनों दिन भर सोते रहते हैं, दोनों की पावर काफी ज्यादा है, दोनों पोकेमोन सेमी सुडो लेजेंडरी पोकेमोन है, दोनों के बेस्ट स्टेट भी लगभग सिमिलर है, जो कि दिखाता है कि भाई साहब यार दोनों जो पोकेमोन है एक दूसरे एवोल्यूशन होने ही चाहिए थे डेफिनेटली। बट यार पोकेमोन कंपनी वालों ने सोचा होगा कि यार इनको एवोल्यूशन बनाना पॉसिबल नहीं है, दोनों अलग अलग रीजन से बिलोंग करते हैं। और यार नहीं नहीं नहीं, इस बार मैं फोन नहीं करूंगा, मेरे पहले से बहुत ज्यादा बेइज्जती हो गई है, गजब बेइज्जती हो गई है, तो इस बार मैं फोन नहीं करने वाला। और जो भी हो सुन लो यार, ये दोनों पोकेमोन एक दूसरे के एवोल्यूशन होते तो भाई साहब आग ही लग जाती, बट यार थोड़ी सी डिजाइन में चेंज करने की देरी थी, ये पोकेमोन एक दूसरे के एवोल्यूशन बन के रेडी हो जाते, मजी आ जाता। और दैट्स व्हाई ये जो पोकेमोन है हमारी वीडियो में नंबर 6 पर आते हैं। और दोस्तों नंबर 5 पर जो पोकेमोन आते हैं वो है क्रो पोकेमोन, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ मर्क्रो एंड क्रोमिनेट के बारे में। मर्क्रो का भी इवोल्यूशन है वो इसके साथ अच्छा लगता है, बट उसको रिप्लेस करके हम क्रोमिनेट को लगा दे तो भाई साहब यार इतना अमेजिंग लगता है कि यार मर्क्रो की डिजाइन यार मजी आ जाता है। आप लोग पहले मर्क्रो को देखो फिर क्रोमिनेट को देखो, दोनों को एक साथ रख के देखो, आप लोग बोलोगे ओ भाई यार क्या बात कर रहे हो यार, दोनों पोकेमोन बिल्कुल सेम टू सेम डिटो कॉपी लग रहे हैं, भाई यार क्या बात बताते हो, मजे आ गया। यानी कि यार क्रोविनाइट और मर्क्रो जो पोकेमोन है दोनों का कलर बिल्कुल सेम है, दोनों क्रोपर बेस्ड पोकेमोन है, दोनों बर्ड पोकेमोन है, दोनों फ्लाइंग पोकेमोन है, इतनी सारी सिमिलर बातें इनमें है, तो क्यों ना एक दूसरे का एवोल्यूशन बन जाए। तो यार रोटोम डेक्स आ जाओ, हाँ खाना खा लिया आ जाओ, तो बताओ यार इन दोनों में सिमिलर बातें क्या है। तो देखो यार मेरा कॉमन सेंस ये बोल रहा है कि दोनों पोकेमोन जो है मैजिक आपको हरा नहीं सकते, नहीं यार ये क्या सेंस हुआ यार, मुझे बताओ, तुम जाओ यार तुमसे होने ही नहीं वाला। तो यार रोटोम तो चला गया है पर मर्क्रो जो पोकेमोन है क्रोमिनेट जो पोकेमोन है बिल्कुल सेम टू सेम है, एक दूसरे के एवोल्यूशन होने ही चाहिए थे, बट यार इनके टाइम गैप में काफी ज्यादा गैप हो गया है, यानी कि कहाँ जोड़ रीजन कहाँ गला रीजन, इस काम की वजह से ये दोनों पोकेमोन एक दूसरे के एवोल्यूशन नहीं बन पाए थे। बट अभी के लिए ये हमारी वीडियो में आते हैं नंबर 5 पर। और दोस्तों यार नंबर 4 पे ऐसे पोकेमोन आने वाले हैं ना, आप लोग बोलोगे ओ भाई यार ट्रिपल धमाका हो गया, यानी कि तीन पोकेमोन आने वाले हैं पहली बार, यानी कि वो है इलेक्ट्रिक पोकेमोन, राइकू पोकेमोन, जीरा ओरा पोकेमोन। आप लोग बोलोगे ये है क्या, कहना क्या चाह रहे हो, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप इलेक्ट्रिक को देखो, राइकू को देखो, जीरा ओरा को देखो, तीनों को साथ में रख के देखो, आप यार एक बार नोटिस करोगे कि इनका डिजाइन जो है इनका कलर कॉम्बिनेशन जो है बिल्कुल सेम टू सेम है, यानी कि येलो एंड ब्लैक कलर का इनका डिजाइन कॉम्बिनेशन
कॉम्बिनेशन है। आप लोग यार समझ ही गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ कि यार इनके पास ऐसे सीक्रेट पावर होनी चाहिए थी जो कि मैंने आपको लुकार के टाइम बताई थी, वैसी यार इनमें पावर होनी चाहिए थी कि अगर चाहे तो इलेक्ट्रा में ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे, चाहे तो राइको में ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे, चाहे तो जीरा ओरा में ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे। भले यार लुकारे वाले को आप लोग मानो या फिर ना मानो, बट इसको तो आपको मानना ही पड़ेगा ना। या फिर कुछ डिफरेंट स्टोन यूज करके इनके ऊपर आप इनको यार डिफरेंट पोकेमॉन बना सकते हो, या फिर अगर आप सुबह को इवॉल्व करोगे तो ये इलेक्ट्रा बन जाते, दिन में इवॉल्व करोगे तो ये राइको बन जाता, और लास्ट में इवॉल्व करोगे रात में इवॉल्व करोगे तो ये जीरा ओरा बन जाता। कुछ ऐसे ही रखते तो हमको ज़्यादा खुशी होती, जैसे कि अपने लाइकेंड्रो के पास फॉर्म है डिफरेंट, वैसे यार इलेक्ट्रा राइको और जीरा ओरा के पास होता तो मुझे यार मजा आ जाता। और इस बात से आप लोग बिल्कुल भी डिसएग्री नहीं कर सकते कि थ्योरी कितनी ओसम है, और इसी कारण की वजह से ये जो पोकेमॉन ने तीनों के तीनों नंबर 4 पाते हैं। और दोस्तों नंबर 3 पे जो पोकेमॉन आता है वो है गिराडिना एंड हुपा अनबाउंड पोकेमॉन। दोनों जो पोकेमॉन है काफी ज्यादा डार्क है, यानी कि आप अगर इन दोनों पोकेमॉन को देखोगे, इनके कारनामों को देखोगे तो आप लोग यही बोलोगे कि दोनों पोकेमॉन बिल्कुल भाई भाई है। हाँ भले यार डिजाइन में थोड़ी बहुत इनमें प्रॉब्लम है, बट अगर दोनों एक पोकेमॉन एक साथ मिल जाए तो पूरी दुनिया को भी तबाह कर सकते हैं, इतनी पावर ये रखते हैं। तो कहीं ना कहीं यार मेरा कॉमन सेंस आपका कॉमन सेंस यही बोलेगा कि अगर पोकेमॉन ये दोनों जो पोकेमॉन है एक दूसरे के इवोल्यूशन होते या फिर इनमें कुछ गहरा कनेक्शन होता तो मजा आ जाता, बिकॉज यार दोनों पोकेमॉन यार एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा मिलते जुलते हैं। इसी कारण की वजह से ये दोनों जो पोकेमॉन है अपन सबके प्यारा गिराडिना एंड हुपा अनबाउंड पोकेमॉन नंबर 3 पर आते हैं। और नंबर 2 पर जो पोकेमॉन आते हैं ना दोस्तों वो है आर्टिकुनो एंड ब्रेवरी बर्ड पोकेमॉन। आप लोग बोलोगे कि इनमें क्या कौन बात है, तो मैं बता देता हूँ, उनका कलर जो है ब्लू है जो कि काफ़ी सेंस बनाता है, बिकॉज इवोल्यूशन में पोकेमॉन के कलर सेम होते हैं। दोनों पोकेमॉन फ्लाइंग टाइप है, दोनों पोकेमॉन बर्ड पर बेस्ड है, जो कि दिखाता है कि भाई साहब यार दोनों पोकेमॉन एक दूसरे के इवोल्यूशन होने चाहिए थे, बट इनका एक कारण है कि ये इवोल्यूशन नहीं हुए, और वो है कि यार आर्टिकुनो जो है लेजेंडरी पोकेमॉन है, वो यार ये लेजेंडरी बर्ड का मेंबर है और दूसरे मेंबर के पास इवोल्यूशन नहीं है, और अकेला इसके पास इवोल्यूशन होता तो कितना अजीब लगता। और इसी कारण की वजह से इसका जो इवोल्यूशन है ब्रेवरी को नहीं बनाया गया, या फिर ब्रेवरी को इसका इवोल्यूशन नहीं बनाया गया, काफी ज्यादा सेंस बनाता है। और यार मैं खुश भी हूँ कि पोकेमॉन कंपनी वालों ने बिल्कुल सही फैसला लिया आर्टिकुनो को या ब्रेवरी का इवोल्यूशन नहीं बना के, वरना यार कितना अजीब लगता सिर्फ और सिर्फ आर्टिकुनो के पास इवोल्यूशन है। तो भाई साहब यार नंबर 1 पे अभी तक का बेस्ट पोकेमॉन होने वाला है, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ क्रोकोडाइल एंड वाइट वेडल के बारे में। आप लोग बोलोगे कि इनमें क्या सिमिलर बात है, जल्दी से बताओ यार, अब रह ही नहीं जा रहा है। सो दोस्तों देखो यार, दोनों जो पोकेमॉन है रेड एंड ब्लैक कलर के पोकेमॉन है, दोनों पोकेमॉन डार्क टाइप के हैं, और दोनों पोकेमॉन को देखने से ऐसा लगता है कि दोनों पोकेमॉन एक ही पार्ट है। यानी कि अगर यार क्रोकोडाइल को उड़ना हो तो वो वाइट वेडल का फॉर्म ले लेगा, अगर वाइट वेडल को जमीन में चलना हो तो यार वो अपना क्रोकोडाइल का फॉर्म ले लेगा। बस आप अपनी आंखों से देखो यार, इसमें थ्योरी ज़्यादा नहीं है, बट आपको महसूस करना है कि दोनों पोकेमॉन एक दूसरे के इवोल्यूशन लगते हैं या फिर नहीं। तो यार मुझे तो मेरी आंखों से देखने से ऐसे ही लग रहा है कि दोनों जो पोकेमॉन है एक दूसरे के इवोल्यूशन है, आपको भी ऐसे ही लगेगा। और इसी कारण की वजह से क्रोकोडाइल एंड वाइट वेडल जो पोकेमॉन है एक दूसरे के इवोल्यूशन होने चाहिए थे, ये थ्योरी सच में लाजवाब है। ये बस थ्योरी है, ऑफिशियली कुछ भी कंफर्म नहीं है पूरी वीडियो में। और दोस्तों अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो ना तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, प्लीज यार कर देना। और यार पोकेमॉन का आंसर दो कि ये कौन सा पोकेमॉन है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।